एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने झारखंड और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य किसी भी राज्य की जनता के लिए मूल जरूरत की चीजें हैं। झारखंड एक बीमारू राज्य है, यहाँ कुपोषण, गरीबी चरम सीमा पर है। स्वास्थ्य को यहाँ बेहतर करने की जरूरत है, इसकी पूर्ति करना सरकार का दायित्व है। झारखंड में इसे लेकर जो स्थिति है उसके बाद तो यही कहा जा सकता है कि बीजेपी की सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। उक्त बातें पूर्व मुख्यमंत्री सर जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने धनबाद के परिसदन में मंगलवार को आयोजित प्रेस वार्ता में कही। वहीं उन्होंने कहा कि पीएमसीएच आउटसोर्स के भरोसे चल रही है, उन कर्मियों के प्रति भी सरकार संवेदनशील नहीं है। आज अपनी मांगों को लेकर कर्मी आंदोलन पर हैं। स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने की दिशा में सरकार को यहां आउटसोर्स प्रक्रिया को समाप्त कर कर्मचारियों की अस्थायी नियुक्ति करनी चाहिए। ये सरकार सिर्फ घोषणाओं की सरकार है। ओडीएफ जब राज को घोषित करना है तो पहले ही कर दे, समय के इंतजार की क्या जरूरत है। जब घोषणा ही करना है तो कभी भी किया जा सकता है। जब घोषणा ही करना है तो 2 अक्टूबर तक का है, पहले ही कर दे, क्या दिक्कत है। बहुत सारे सरकार ऐसी घोषणा करती है, 2 अक्टूबर काहे को इंतजार करी। तो गांधी जी के भी क्या कहते हैं जयंती है, उनके भी नाम को बदनाम करते। इनकी घोषणा का क्या है, देश के प्रधानमंत्री ने कितना घोषणा किया याद करो, कौन सी घोषणा इसकी पूरी हुई है। और अभी भी जो अखबारों में घोषणा करते हैं वो घोषणा आप सर जमीन पर जाकर के देख लीजिए, जो गांव जो पंचायत उन्होंने ओडीएफ घोषित किया होगा। हमको तो कई बार लोग बुलाया मुखियालो की सर आइए, हम बोले यार इसका मैं खुद ही विरोध में नहीं जाने वाला नहीं। हाँ बोलोगे तो मैं एक दिन जरूर ढूंढ लूंगा तुम लोगों ने कहा ओडीएफ किया। तो मुखिया जी लोग बोलता है नहीं नहीं सर आप मत घूमिए, तो हम लोगों की गलत करा। इसलिए घोषणा 2 अक्टूबर का है, सरकार इंतजार कर रही है, घोषणा कर दे, घोषणा ही तो करना है, क्या दिक्कत है। पहले कहा था कि बिजली का हब बनाएंगे, यानी बिजली यहाँ इतना उत्पादन होगा बाहर को भी भेजेंगे, यानी भारतवर्ष देश के अंदर, और यहाँ तो फिर बिजली कमी नहीं रहेगी। लेकिन जो पहले उत्पादन हो रहा था वो सबके सब ठप हो गए। पतरा तो थर्मल पावर आज 0 मेगावाट बिजली उत्पादन कर रही है, तीनों घाट जो क्षमता उससे भी कम अब हो गई। बीच बीच में आता है कि कोयला की कमी है, तो हम बाहर से खरीद करके हम सब कुछ लोगों को तदर्थ में जिन लोगों की नियुक्ति हुई है एडहॉक बहाली या क्या कहते उसको आउटसोर्सिंग, ये लोग हड़ताल पर गए। तो हम कहेंगे कि भाई सरकार को पीएमसीएच या माने स्वास्थ्य सेवा सबसे महत्वपूर्ण सेवा है, जैसे हम लोग कहते हैं ना स्वास्थ्य है, शिक्षा है, बिजली है, पानी है, ये जो चार ऐसे मूलभूत सेवाएं हैं और हर लोगों को ये इसकी जरूरत पड़ती है। और झारखंड सबसे अधिक बीमारू राज्य है, यहाँ अधिक कुपोषित भी लोग हैं, अधिक पीड़ित भी है, गरीबी भी अधिक है, तो उस कारण से लोग अपने इलाज पैसे के अभाव में कोई निजी अस्पतालों में नहीं करा पाते। तो हम सरकार से कहेंगे